नमस्कार, अंडरवर्ल्ड के किस्से जितेंद्र दीक्षित के साथ का ये दूसरा एपिसोड है और मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी लेकर। लेकिन इससे पहले कि मैं इस हफ्ते की कहानी आपको सुनाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते का हमारा जो पहला एपिसोड था उसके लिए आपका जो रिस्पॉन्स मिला, आपका जो प्रतिसाद मिला, उससे हम प्रोत्साहित हुए हैं और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बात करते हैं इस हफ्ते के एपिसोड की। आमतौर पर जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, उनमें सास बहू में, देवरानी जेठानी में नोकझोंक होती ही रहती है। लेकिन ऐसी नोकझोंक किसी को फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकती है, ऐसा शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में ऐसी ही एक कहानी घटित हुई है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये कहानी है याकूब मेमन की। जी हाँ, 12 मार्च 1993 का जो मुंबई बमकांड था, जिसमें मुंबई के कई ठिकानों पर एक साथ बम धमाके हुए थे, उस साजिश का आरोपी था याकूब मेमन, जिसे कि 30 जुलाई 2015 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। तो फांसी के फंदे तक वो कैसे पहुंचा, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में बम धमाके हुए थे, उनमें करीब 257 लोग मारे गए, 750 के करीब लोग घायल हुए थे और इस मामले में मुंबई पुलिस ने सबसे बड़ा आरोपी माना था दाऊद इब्राहिम को और उसके साथ टाइगर मेमन को। ये माना गया कि टाइगर मेमन ने अपने भाइयों की मदद से और अपने साथियों की मदद से इस साजिश को अंजाम दिया था। और 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर बम धमाके हो रहे थे, तो उससे कुछ वक्त पहले ही टाइगर मेमन, उसके भाई याकूब मेमन और जो बाकी के भाई थे, अयूब मेमन, ईसा मेमन, सुलेमान मेमन, ये तमाम भाई जो है एक साथ भारत से भाग निकले। इनके साथ इनके माता पिता भी थे और ये जो भाई थे मेमन परिवार के, इनकी पत्नियां भी इनके साथ में निकल भागी थी। जब 12 मार्च 1993 का मुंबई बमकांड हुआ, तो सबसे पहले ये लोग, बताया जाता है कि UAE गए थे और उसके बाद ये गए थे पाकिस्तान। अंडरवर्ल्ड से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, हालांकि किसी बयान में इस बात का जिक्र नहीं है, ना तो किसी FIR में है, ना तो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के सूत्र जो आपस में चर्चा करते हैं, तो उनसे हमें ये जानकारी मिली कि टाइगर मेमन की जो पत्नी थी शबाना मेमन और याकूब मेमन की जो पत्नी थी राहीन, इन दोनों के बीच जमती नहीं थी। माहिम के अल हुसैनी बिल्डिंग में ये संयुक्त परिवार रहता था, एक ही इमारत में ये सभी भाई रहते थे अपने माता पिता के साथ। और यहाँ पर शबाना, जो कि टाइगर की पत्नी थी, और राहीन, जो कि याकूब की पत्नी थी, इनके बीच में पटती नहीं थी, आपस में नोकझोंक रोजाना होती रहती थी, खिटपिट होती रहती थी। और जब ये लोग भारत से भागकर बाहर गए और जब पाकिस्तान में सेटल हुए, तब भी इनके बीच में ये नोकझोंक लगातार होती रहती थी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टाइगर मेमन अब भी पाकिस्तान में ही है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकला है, भारतीय एजेंसियां उसको पकड़ना चाहती हैं, लेकिन अब तक वो गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन याकूब मेमन कैसे भारत आ गया, उसको कैसे पकड़ा गया, उसके खिलाफ कैसे मुकदमा चला और उसे कैसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया, तो जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो तमाम कारण थे याकूब मेमन के पाकिस्तान से वापस लौटने के पीछे, उनमें से एक कारण था पारिवारिक कलह। जी हाँ, वहां पर भी टाइगर मेमन की जो पत्नी थी शबाना और याकूब मेमन की पत्नी राहीन के बीच रोजाना नोकझोंक होती थी, झगड़ा होता था, कहा सुनी होती थी और राहीन बार बार याकूब मेमन से शिकायत करती थी शबाना के बारे में और कहती थी कि देखिए ये हमें बुरा भला कह रहे हैं, हमसे ठीक से बात नहीं करते और इनके चक्कर में पड़ने की वजह से ही हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमें मुंबई से बाहर आना पड़ा, हमें अपने देश से बाहर आना पड़ा है और ना तो हम अपने किसी नाते रिश्तेदार से मिल सकते हैं, ना तो उनके किसी शादी समारोह में जा सकते हैं और यहाँ पर हम कब तक टाइगर मेमन के टुकड़ों पर पलेंगे। इस तरह की तमाम बातें जो है रोज रोज याकूब मेमन को सुनाई जाती थी उनकी पत्नी की तरफ से और रोज रोज के इन झगड़ों से याकूब मेमन काफ़ी परेशान हो गया था शबाना के बीच में और राहीन के बीच में। इन दोनों देवरानी जेठानी के बीच जो रोजाना की नोकझोंक होती थी, उससे वो काफ़ी परेशान था और इस कलह की वजह से उसने फैसला लिया कि अब टाइगर मेमन के साथ में ज़्यादा नहीं रहना है, वापस भारत लौट आएंगे और भारत में ही अब आगे जाके रहेंगे।
जब उसने ये फैसला किया कि अब वो वापस भारत लौटेगा अपनी पत्नी के साथ, तब टाइगर मेमन ने उसे काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद याकूब मेमन नहीं माना। याकूब मेमन को लगा कि जब वो भारत लौटेगा तो शायद उसे ज़्यादा वक्त जेल में नहीं गुजारना पड़ेगा, उसके ऊपर उतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे, ऐसा याकूब का खुद का समझना था, जितने कि गंभीर आरोप टाइगर मेमन के ऊपर हैं। और ऐसे में वो जब भारत पहुंचेगा तो कुछ साल जेल में बिताने के बाद शायद वो आज़ाद हो जाएगा और भारत में फिर से एक आराम की ज़िंदगी जी सकेगा, अपना कारोबार कर सकेगा। तो इस सोच के साथ याकूब मेमन ने तय किया कि वो वापस भारत लौटेगा। अब वो जो वापस भारत लौटा, इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी के मुताबिक वो जुलाई 1994 में नेपाल में खुद को उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, ऐसा खुद याकूब मेमन का कहना था। दूसरी कहानी ये है कि सीबीआई ने उसी साल अगस्त में, यानी कि हफ्ते भर के बाद ही, करीब 5 अगस्त को याकूब मेमन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया। जो भी हो, हकीकत ये थी कि टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन, जो कि मुंबई बम कांड का आरोपी था, वो वापस भारत आ गया था और अब मुंबई बम कांड की जांच कर रही जो एजेंसी थी सीबीआई, वो उसकी गिरफ्त में था। अब वो सीबीआई की गिरफ्त में तो आ गया, लेकिन यहां आने के बाद उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी आ गई और जो दूसरे भाई थे सुलेमान मेमन, ईसा मेमन, वे भाई भी आ गए। सिर्फ एक भाई याकूब मेमन के साथ कराची में ठहरा, वो था अयूब मेमन, लेकिन बाकी के भाई और माता पिता और जो उनकी पत्नियां थी, वे सभी लोग जो है वापस भारत लौट आए और मुंबई की विशेष टाडा अदालत में इन सब के खिलाफ मुकदमा चला। टाडा कानून के तहत कई सालों तक ये मुकदमा चला। इस दौरान आर्थर रोड जेल में इन सभी को कैद रखा गया था और मुकदमे का जब फैसला हुआ तब याकूब मेमन को बमकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में, इसके अलावा जिस तरह से वो टाइगर मेमन को फंडिंग के लिए मदद करता था, उसके पैसे का कारोबार वगैरह संभालता था, उन तमाम आरोपों के तहत याकूब मेमन को फांसी की सजा सुना दी गई। जिस वक्त उसको अदालत ने, जज पीडी कोदे मुझे याद है, मैं उस वक्त खुद अदालत में मौजूद था, जैसे ही याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई, याकूब मेमन बहुत भड़क गया, उसने अपना आपा खो दिया और वो जोर जोर से चिल्लाकर कोर्ट में हंगामा करने लगा, जज को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि मुझे टाइगर मेमन ने सही कहा था, वहां पर मत जाना, नहीं तो तुम्हें ये लोग इस तरह से लटका देंगे, और काफी कुछ वो बड़बड़ाने लग गया। बड़ी मुश्किल से जो कोर्ट का स्टाफ था उसने याकूब मेमन को कंट्रोल किया, लेकिन जज अपना फैसला सुना चुके थे और इसके बाद अलग अलग जेलों में याकूब मेमन को रखा गया। याकूब मेमन को वहां से फिर पुणे की यरवदा जेल में ले जाया गया, फिर वहां से नागपुर जेल में ले जाया गया। इस दौरान याकूब मेमन ने दो बार जो है मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की, एक बार इंग्लिश लिटरेचर में और एक बार पॉलिटिकल साइंस में, तो और उससे काफ़ी अच्छे नंबर्स भी मिले थे, काफ़ी अच्छे नंबरों से वो उनमें पास हुआ था। लेकिन जब अपील की बारी आई, तमाम अदालतों ने जो है उसकी अपील खारिज कर दी, और यही नहीं, जिस सुबह उसकी फांसी हुई थी 30 जुलाई 2015 की सुबह, उसे नागपुर जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसकी पहली रात भर जो है, ये ऐतिहासिक मामला था, रात भर जो है अदालत की करीब 2:30 बजे के आसपास जो है अदालत लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे और आखिरी फैसला उस वक्त सुनाया गया जिसमें कि उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। तमाम बड़े वकील, तमाम बड़े नाम जो है पिटीशन लेकर गए थे जजों के सामने कि याकूब मेमन की फांसी को मुलतवी किया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, उसे सुबह फांसी होगी ही। और सुबह 6:35 पर याकूब मेमन को नागपुर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से याकूब मेमन कराची से भारत पहुंचा और फिर आखिर में उसका अंत फांसी के फंदे पर हुआ। और जैसा कि अंडरवर्ल्ड के लोग बताते हैं कि अगर शायद देवरानी जेठानी में ये झगड़ा नहीं हुआ होता और अगर वो सुकून से रह पाता पाकिस्तान में अपने भाई टाइगर मेमन के साथ में, तो शायद वो भारत लौटने की नहीं सोचता और शायद उसे फांसी नहीं दी जाती। तो ये कहानी थी याकूब मेमन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि देवरानी जेठानी के झगड़े की वजह से वो फांसी के फंदे तक पहुंचा। अगले हफ्ते आपको मैं सुनाऊंगा बाल ठाकरे की अरुण गौली से रिश्तों की कहानी, वो कहानी जो शायद फिल्म ठाकरे आपको नहीं दिखाएगी।
है।